बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह हमेशा ही अपने बयानों को लेकर किसी न किसी विवाद में फंसे रहते हैं। अब इस लिस्ट में उनकी पत्नी रत्ना पाठक का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने करवा चौथ पर्व को अंधविश्वास बताते हुए उन महिलाओं को पागल बनाया है जो ऐसे व्रत करती है और ऐसे उपवास करती है। उनकी इसी बयान पर अब सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू में रत्ना पाठक शाह से जब पूछा गया कि क्या वो अपने पति को सलामती के लिए व्रत रखती है, तो इस पर उन्होंने पलटकर जवाब दिया, मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे व्रत करूंगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रत्ना पाठक शाह ने कहा, यह आश्चर्य है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। भारत में विधवा होने पर एक भयानक स्थिति है, महिलाओं इससे डरती है क्योंकि करवा चौथ का व्रत करती है। हैरान करने वाली बात है कि हम 21वीं सदी में भी इस तरह की बातें करते हैं। रत्ना पाठक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम एक बेहद रूढ़िवादी समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं को बेड़िया में जकड़ने का काम किया जा रहा है। दुनिया में किसी भी कंजर्वेटिव समाज में देख लीजिए, महिलाएं सबसे पहले प्रभावित होती है। सऊदी अरब को देख लीजिए, क्या हम सऊदी अरब बनना चाहते हैं? बता दें कि सोशल मीडिया पर रत्ना पाठक शाह को काफी ट्रोल किया जा रहा है। महिलाएं एक्ट्रेस के इस बयान पर काफी नाराज है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत करती है। सीधे तौर पर उन्होंने ऐसी महिलाओं को पागल कहा जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।